कई बिहारियों से पाकिस्तानी अदाकारों को अदाकारी करके दिखा रहे हैं कि नौजवानों दरअसल अदाकारी होती कैसे है। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की शान, थिएटर, फिल्म, हर जगह अपना लोहा मनवाया। मैं चाहता हूं कि खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अ लिविंग लेजेंड, अ ग्रेट एक्टर महमूद असलम साहब, प्लीज कम। तशरीफ लगी है सर। मूसा, तूने आज हमारा तारुफ करवाकर खुश कर दिया है। वो जो तू नाचने वाले की कोठे पे छुप छुप के जाता था, आज पीर साहब ने तुझे माफ कर दिया। अरे पीर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा इज्जत दे और अल्लाह आपको खुश रखे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आप सबको भी बहुत शुक्रिया। ये जो आप अभी बजा रहे थे वो तालियां थी। सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। हमारे लेजेंड्स की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जो कई दिहाइयों से आप उनकी मुस्कुराहट का सामान बने और जब कोई सीरियस किरदार किया तो ऐसा लगा कि महमूद असलम नहीं, यही शख्स पैदा हुआ था। महमूद असलम कोई अदाकार है, असल इंसान वो किरदार है। खैर जा, मैं तो वो अजीब जा हो गया। मैं कभी नहीं मिली यार, तो ज़्यादा रिसेप्शन दे देती है। तो सर हकदार हो सर। अच्छा मेरी जान, बहुत शुक्रिया आप सबका। मामूसा वेलकम टू मुज़ाकरात। अच्छा जी, जज़ाकअल्लाह आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम जिसको भी मिले हैं बस आरजी मिले, हम जिसको भी मिले हैं बस आरजी मिले, लेकिन तुझे मिले तो तुझे वाकई मिले। दुनिया में और कुछ भी मिले या नहीं मिले, मन चाह शख्स जिंदगी में लाजमी मिले। मनु शेर शुर कोई नहीं याद रहते, मैं बड़ी कोशिश की थी। अच्छा। पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है, इतने इतने अच्छे शेर वो एक थे मामदीन साहब, वो मनु दो तीन शेर उन्होंने याद रह गए हुए ने। वो बड़े मजे के लाइवली से शेर होते थे उनके, के उनकी गली में न जा मामदीना, उनकी गली में न जा मामदीना, कि उनकी गली का कुत्ता बाड़ता है। हुकूमत से कह दो जहाजों को रोकें। इमरान साहब जी सर, हुकूमत से कह दो कि जहाजों को रोकें, के सोए हुओं का तरा काटते हैं। क्या बात है, ये बात मनु याद रह गई। मैं गालिब ते पढ़ता हूं, मैं बड़ी गल है माशाल्लाह, तो शेरा ने जिंदगी काट ली। अल्लाह की कसम। Good to see you today. I'm your huge fan. चाहे वो बुलबुले हो, चाहे वो रीमा का कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर में इतनी वेरिएशन। So nice, thank you. Thank you very much. Oh yes,
Lily, she's so cute. Mashallah. Thank you very much. महमूद साहब जी, सैकड़ों किरदार, चाहे वो लंडा बाजार हो, चाहे वो जंजालपुरा हो, खानी हो, रक्से बिस्मिल हो, या मेरा पर्सनल जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कैरेक्टर है, मिस्टर जमशेद दीपी। और जंजालपुरा एक ऐसा ड्रामा था, मेरा ख्याल है कि वो तारीख के पन्नों पर सुनहरी अल्फाज से नक्श हो चुका है। और हम चाहेंगे सर, सामने कैमरा है, आपके बहुत सारे फैंस हैं सर, आपका वो किरदार अगर उसके कोई दो डायलॉग या उस अंदाज में अगर आप परफॉर्म करके दिखा दें तो सर, अरे सर, ये रीमा 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 ओ जालमोर रीमा उन बुढ़ी हो गई है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, वो जवानी थी भाजन, बिल्कुल अभी भी है सर, प्लीज प्लीज वो सामने कैमरा सर, उठ के भी सर, उठ के भी सर, उठ के लो, उठ के प्लीज प्लीज किस तरह खलो सकती है, तू नहीं खलो सकती, ले गुरु जी तू कमाल कर दी, नहीं खलो सकती, मैं इलेक्शन खलो रही हूं बस, तो तू सारे ने ना वोट मंजू पाने, उन्हें क्या तू नहीं खलो सकती, नहीं मैं खलो सकती, क्यों नहीं खलो सकती, डेढ़ घंटा हो गया तुहाडे सामने खलोती हाँ ना, इलेक्शन देखो मैं इलेक्शन खलो रही हाँ, तो वोट सारे ने ना मन पाने, तो मैं तुहाडे नाल वादा करनी है कि जे मैं हुकूमती च आ गई ना, जिहदे घर भी काका होया ना, हुकूमत मुफ्त नचेगी। अच्छी तरह से जानता हूं कि महमूद शाह की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के जिस जिस घर में मजाक रात देखा जा रहा है वो घर तालियों की गूंज से गूंज रहा होगा। देखते रहिए मजाक रात। सर एक होता है आम सफर, एक होता है मुश्किल सफर, एक होता है हसीन सफर, और आपका सफर पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लिए इश्क के काबिल सफर है। एक नौजवान हसीन टॉल हैंडसम लड़का पाकिस्तानी टीवी तक कैसे पहुंचा सर? मैं सद के जावा तेरे अपना प्यारा सवाल की तरह, बड़ी मेहरबानी सर, जवाब दे, मैं तुम्हारे को इंतजार करूंगा क्योंकि थोड़ी साडे प्यार होसी, थोड़ा अपना प्यार कर रहे हो, साडी मोहब्बत हो, असि थोड़े शागिर्द हां, जवाब सानू चाहिए सर, मुझे पता है आपको साहब रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जवानियां मांग दे, ऐ साला पाग लगे रे ਤੇ ਆ ਰਗਦੋ ਵੇਲੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ।